सचान है, मैं कैप्टन विनय कुमार सचान की माता जी। पहली पोस्टिंग इसकी जम्मू कश्मीर में ही थी, वहाँ से फिर कोटा आए और यही लीड कर रहे थे। एक साल कोटा में आना था, उसी टाइम संसद में हमला हो गया तो ये लोग फिर बॉर्डर में चले गए। घर से यही बोल के गए थे कि मम्मी हम पहले जा रहे हैं जगह देखने, बाद में हमारी यूनिट आएगी। तो थोड़ा अंदर से वो लग रहा था कि तुम पहले क्यों जा रहे हो, तो ये नहीं बताया कि क्यों जा रहे हैं। बोले हमारी बटालियन बाद में आएगी, हम पहले उसकी जगह देखने के लिए जा रहे हैं पेट्रोलिंग करने के लिए। तो ये गए, इनको इन्फॉर्मेशन थी कि वहाँ आतंकवादी आएंगे या एकदम अचानक से हमला हो गया। एक दूसरे को बचाते हुए एक को कमर में गोली लगी, इनको पैरों में लगी, एक को कमर में लगी तो वो वहीं गिर गया, वो बच गया। एक को सिर यहाँ लगी तो वो एकदम उधर ही ख़त्म हो गया, सरदार जी थे। इनको पैरों में लगी तो हम पहले तो यहाँ कुछ पता नहीं, मम्मियों को कुछ ऐसा लगता है कि कुछ अलग से मालूम पड़ जाता है। मैं रात भर नहीं सोई, उस दिन 24 को ही रात भर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। बस वैसे ही लग रहा था कि भगवान जी मेरे बेटे को अच्छे से रखना। और मेरे मिस्टर भी बोलते हैं कि क्या हो गया आज तुमको। तो बस 24 तारीख को हम लोग बाहर ही खड़े थे, तो वहां से फोन आया तो मैं आई भाग के कि बीनू का ही होएगा। तो देखा कि उनकी यूनिट से आया था, उनकी यूनिट में बोला कि कौन है घर में, तो मैं बोली मैं ही हूँ, और तो सब लोग चले गए। तो उन्होंने ऐसे नहीं बताया एकदम कि डेथ हो गई, उन्होंने बताया कि सचान के पैर में गोलियां लगी हैं और आ जाएगा एक दो दिन में। तो मुझे लगा कि पैर में गोलियां लगी हैं तो यहाँ क्यों आएगा, वहीं इलाज कराओ उसका, हम लोग आएंगे। मेरे को कुछ समझ में ना आया। बस हमारी दुनिया उजड़ गई। रंगाला जो रखा गया था कैप्टन विनय कुमार सचान के नाम से ही रखा गया था। मुझे तो अपने परिवार को भी बहुत प्राउड होता है, ये जो रंगाला रखा है
इसको खेलने की चीज, सेल्फी की चीज ना समझें, वो हमारे दिल से, हम मंदिर में जाते हैं तो श्रद्धा से जाते हैं, तो उसी तरह से यहाँ के बच्चे बहुत सेल्फी निकालते हैं, तो उस तरह की भावना छोड़ दें। तो बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि सम्मान मिले उस स्मारक को, वो खाली रंगाड़ा नहीं है, स्मारक है। तो सबसे मैं विनती करती हूँ कि जो उसको सम्मान पूर्वक याद करें सबको।